बात सामने आती है, अपोजिशन ये आरोप करते हैं कि 400 प्लस अगर है तो ये संविधान बदलने के लिए ये सब चल रहा है, कैसा कुछ है? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि विपक्ष के पास आज बहुत ज्यादा मुद्दे नहीं है तो इस प्रकार के अफवाहें शुरू करते हैं। हमारा जो हेतु है कि भारत को एक विकसित देश बनाने का, उसके लिए जो भी करना पड़े हम उसके लिए करेंगे। संविधान में कोई आज के दिन बदलाव की मुझे संभावना नहीं दिखती है किसी प्रकार का। हमारे सामने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत जहाँ कोई भी व्यक्ति पीछे ना रहे, हर एक युवा युवती को, हर एक नौजवान को अच्छा अवसर मिले, नारी का सम्मान हो, भारत गरीबी से भी मुक्त हो, भ्रष्टाचार से भी मुक्त हो। और मेरा पक्का विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में जिस तेज गति से विकास की धारा बहेगी, जिस प्रकार की आधारशिला 10 वर्ष में मोदी जी ने रखी है, आगे एक उज्जवल भविष्य भारतवासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। और सभी जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। 2014 में हमने देखा था मोदी लाट और इस बार मोदी गारंटी। ऐसा है कि मोदी जी ने जो कहा वो किया, मोदी जी पे आज अटूट विश्वास है। मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को एकजुट किया है, एक धागे में बांधा है, और जो बहुमुखी विकास, एक कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक डेवलपमेंट का मॉडल जिसमें समाज के हर वर्ग को कुछ ना कुछ लाभ भी मिला, बिना भेदभाव के लाभ गरीबों तक, निम्न मध्यम वर्ग तक पहुंचा, और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार 10 वर्ष जो केंद्र में मोदी जी ने दी, इन सबका जब आकलन करते हैं लोग तो लोगों को विश्वास आता है कि ये गारंटी भी देश को एक विकसित बनाने की, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की, देश को तुष्टिकरण से, अपीजमेंट पॉलिटिक्स से मुक्त करने की, और समाज में हर एक व्यक्ति को अपना सही स्थान मिले और सारे समाज को साथ लेके देश आगे बढ़े, हर गरीब का कल्याण हो, हर नारी शक्ति का सम्मान हो, हमारे किसानों की आमदनी बढ़े, युवा शक्ति को और बल मिले। ये जो चार वर्ग हैं इनका जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया है कि सभी की चिंता करते हुए भारत को एक विकसित भारत 2047 तक बनाना है, मैं मानता हूँ ये मोदी की गारंटी और भारत की जनता का विश्वास ये एक अटल बंधन है और वर्षों वर्षों तक ये बंधन देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। खूप खूप धन्यवाद पियुष जी, तुम्ही इथाला तरी खूप नमस्कार। छान मुद्दे तुम्ही या ठिकाणी मांडलेत आणि तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा। तुमचा आभार, धन्यवाद। तर भाजपचे मुंबई उत्तरचे उमेदवार आहेत पियुष गोयल आणि त्यांनी आपले मुद्दे या ठिकाणी मांडलेले आहेत। बुलेटिनमध्ये आपण इथे संपूयात, नमस्कार।